हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का पार्ट 3 बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको बेसिक बताया कि ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रेंट लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है, वो सब बताया। सेकेंड में मैंने तुम्हें बताए थे क्या कहते हैं उसको, एक्जियोम्स बताए थे, ठीक है। और ये थर्ड वाली मैं तुम्हें यहाँ पर इसमें यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। ये तुम देख रहे हो एक पॉइंट यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो एक लाइन बना दी हमने उससे। दिस पोस्टुलेट डज नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन, सो दिस रिजल्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एक्जियोम एज फॉलोज। कैसे एक्जियोम 5.1, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। देखो अब तुम जैसे यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक पॉइंट बना दूँ x और एक पॉइंट बना दूँ y, तो इन दोनों से सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है, यूनिक लाइन ही बनाई सकती। भाई x से y को ही जोड़ोगे ना, क्योंकि दो पॉइंट दे रखे हैं। तो ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हो, सिक्स क्लास में पढ़ा है कि दो अगर पॉइंट दे रखते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते, ठीक है। सेकंड में देखो कहता है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। लाइन जब बोले तो उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें बताया, इसके इंट्रोडक्शन में, लाइन क्या है, लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है, और ना ही उसकी कोई फिक्स लेंथ है। तो हमने यहाँ पर ए और बी पॉइंट लगाया, तो हम दोनों साइड में इसको क्या कर सकते हैं, जब लाइन बनानी तो दोनों साइड में हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टर्मिनेटेड लाइन इज नाउडेज कॉल्ड, अभी से हम क्या बोल देंगे, लाइन सेगमेंट। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसमें तो फिक्स लेंथ हो जाती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब आया, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जैसे यहाँ की, यहाँ पे इसका सेंटर ओ लेके मैंने इसको बना दिया, सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर मैंने रेडियस ले लिया, ठीक है। अब मैं सेंटर इसका जो है, मतलब दूसरा कोई बनाना चाहे तो मैं यहाँ पे सेंटर बना दूँ, उसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ रख के, मतलब रेडियस रख के उससे सर्कल बना दूँ, या मेरा मन करे तो मैं 0.5 सेंटीमीटर लूँ और उससे एक सर्कल बना, तो कोई भी रेडियस लेके हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 में बोलते हैं, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर इफ एंगल ए बी सी इजिकल टू 90 डिग्री एंड एंगल पी क्यू आर इजिकल टू 90 डिग्री, देन एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, दैट इज बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कैसे कॉन्ग्रेंट में हम क्या देखते हैं कि एक एंगल दूसरे एंगल के ऊपर क्या करे, सुपर इम्पोज हो जाए या कोइंसाइड करे। तो भाई यहाँ तो हम दोनों को ही बोल रहे हैं ना, ये भी 90 है ये भी 90, जब दोनों ही एंगल 90 है तो दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ये एंगल ए बी सी, तो एंगल बी कितना है 90 डिग्री, यहाँ पी क्यू आर बनाया, क्यू कितना है 90 डिग्री, ठीक है। नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। बहुत ही ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने ए बी, और एक ये सी डी स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। एक ये लाइन बनाई पी क्यू, ये कहता है ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, तो किसके ऊपर फॉल कर रही है, ए बी और सी डी के ऊपर फॉल कर रही है पी क्यू, ठीक है। तो कहता है मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, तो ये मान लो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसके सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल 1 एंड 2, वो कह रहा है कि लेस देन 2 राइट एंगल्स। जब हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं तब तो हम क्या बोलते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, लेकिन ये तो पैरेलल नहीं है, ये लाइंस पैरेलल नहीं है। तुम देख रहे हो इनके बीच के डिस्टेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो लेस देन 2 राइट एंगल इसीलिए बोला ना कि दोनों का सम जो है क्या कहते हैं 180 नहीं होगा। 2 राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, 90 प्लस 90 180 होना चाहिए, पर ये तो नहीं होगा। देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। देखो अब मैं इसे आगे प्रोड्यूस करती चली जाऊँ ऐसे ऐसे, और इस लाइन को भी आगे प्रोड्यूस करूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो इस साइड पर बने हुए दोनों एंगल क्या होंगे, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है।
अब लाइन पी क्यू फॉल्स ऑन लाइन ए बी एंड सी डी सच दैट एंगल 1+2 इज इक्वल टू लेस देन 180. सो ए बी एंड सी डी व्हेन प्रोड्यूस विल इवेंचुअली इंटरसेक्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ पी क्यू, पी क्यू के लेफ्ट पे. ठीक है, इसी को हम देखो दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, इसे बोलते हैं फ्ले पेयर्स एक्सियोम. इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल. देखो अभी से तुम अच्छे से समझ जाओगे, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है इसी के लिए. ठीक है, देखो ये एक लाइन है एम और ये एक लाइन एल है और ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो किस पॉइंट पे काट रही है, पी पे काट रही है एक दूसरे को. तो द रिजल्ट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज, कैसे लिख सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और दोनों पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो डिस्टिंक्ट हो गए. ठीक है, तो कहता है द रिजल्ट सॉरी टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. इसके पैरेलल कैसे हो जाएंगी भाई, पैरेलल तो तभी होंगे जब दोनों की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है, ये दोनों तो एक दूसरे को काट रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर.